अत्यंत दोनों आंखें बंद कर दी परमात्मा ने गोविंद। और हमारे संत कहते हैं परीक्षित जी महाराज जी पूछने लगे बाबा सुखदेव जी से, गुरु जी क्यों आंखें बंद कर दी परमात्मा ने? और हमारे संत कहते हैं कि इसीलिए परमात्मा ने बंद कर दी आंखें कि महाराज पूतना आई थी ना, विष पिलाने आए थे ना, मेरे गोविंद समझ गए कि महाराज यह विष अपने अस्त्रों में भर के आए हैं, और इसीलिए आंखें बंद कर दी कि आंखें बंद करके बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने लगे, ध्यान करने लगे मेरे गोविंद कि हे भोले बाबा तुरंत आ जाओ, तुरंत आ जाओ। अरे भोले बाबा क्या करेंगे, भोले बाबा जिसको ले लेंगे मेरे बस की नहीं है, मैं तो छोटा सा बालक हूँ कैसे जिसको पचा पाऊंगा, मेरे भोले बाबा तो समुद्र बंथन में जो भी निकला था पूरा जिस पी गए महाराज। भोले बाबा का दर्शन करने के लिए गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर दी, इसीलिए तो आंखें बंद। हमारे दूसरे संत कहते हैं महाराज ठीक है ऐसा भी हो गया। कई संतों की अपनी अपनी सोचने की शक्ति, सब संत आप अपनी तरफ से सोचने लगे मेरे परमात्मा ने आंखें बंद किए क्यों कर दी, और जैसे परमात्मा ने आंखें खोला और महाराज झूलने से जो है ना उतना ने बालक को उठाया, गोविंद को उठाया और अपने पलने में रख दिया और बाहर की ओर चली गई, बाहर की तरफ निकल गई। इतने देर महाराज यशोदा मैया अपने और काम में लगी थी, बोल गए भारत की तरफ, बोल गए कहीं और मिल गए, लेकिन किनारे जाकर के महाराज बालक को गोविंद को दूध पिलाने लग गई, अपना काम करने लग गई, और तुरंत अपना अस्तन निकाल करके जैसे दूध पिलाने लग गई। और महाराज हमारे संत जन कहते हैं कि गोविंद ने एक तरफ जैसे दूध पीना शुरू किया और दूसरे हाथ से दूसरा अस्तन पकड़ दिया, उतना ने कहा 5 मिनट में दूध पिलाती हूँ मेरा काम हो जाएगा, राम नाम सत्य हो गए मैं चल दूँ, लेकिन भगवान की तो और ही लीला है। भगवान ने दूध पीते पीते महाराज उतना के प्राण ही पी लिए, ऐसा दूध पिया कि उतना महाराज तड़पने लग गई। सुंदर स्त्री जो बनी है, सुंदर वेश में जो बनी उतना और तड़पने लग गई, कांपने लग गई, और पूरा जो अपना स्वरूप था सारा स्वरूप दिखने लग गया। भगवान ने पूतना के प्राण पी लिए, और प्राण जैसे क्या पिए कि पूतना का शरीर ग्राम से नीचे गिरा महाराज, जैसे ग्राम से नीचे गिरा तो सारे पेड़ इधर उधर सारे बगीचे के पेड़ टूट गए, और अपना शरीर जो पूतना का वास्तविक शरीर था प्रकट हो गया। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की प्रथम बार जो है आज भगवान ने जो है मारने का काम शुरू किया, इतने छोटे हुए नहीं कि मारने का काम शुरू, जैसे जोर से आवाज आई सारे ग्वाल बाल सब के सब पहुंच गए। महाराज हमारे संत जन तो कहते हैं, कथा तो कहते हैं कि शरीर इतना बड़ा था पूतना का कि भगवान पूतना के शरीर के ऊपर ही दूध पी रहे, वही इतना बड़ा शरीर था कि ग्वाल वालों को नंद बाबा को सीढ़ी लगानी पड़ी पूतना के शरीर के ऊपर चढ़ने के लिए, तब भगवान कृष्ण को वहां से निकाला। और माँ यशोदा ने जैसे देखा कि मेरा बालक इस राक्षसी के ऊपर बैठा हुआ है, इसकी छाती के ऊपर बैठा हुआ है, महाराज माँ तो बेहोश हो गई, नंद रानी बेहोश हो गई, लेकिन ऐसी कथा आई है कि उस शरीर को
जो पुतना का जो शरीर था उसके टुकड़े टुकड़े बना करके और लकड़ियां इकट्ठी करके महाराज उसके शरीर को जलाने लगते हैं। और उसके शरीर को जला करे जब किसी का शरीर का दाह करते ना कितनी दुर्गंध आती है, लेकिन उसके शरीर से सारे चंदन की खुशबू निकलने लगती है। और हमारे संत कहते हैं महाराज ऐसी परमात्मा की कृपा कि पूतना के शरीर से चंदन की महक आने लग गई, सारी सुगंधी निकलने लग गई। क्यों निकली महाराज? क्योंकि भगवान स्वयं ने ही पूतना का दूध किया था। और आज परमात्मा ने पूतना मैया का दूध पी करके उसको मोक्ष धाम की प्राप्ति दे दी। महाराज श्री कृष्ण चंद्र भगवान मोक्ष धाम दे दिया। मेरे परमात्मा ने देखो राक्षसी रूप में आए थे और उसको मोक्ष धाम दे दिया। परीक्षित जी महाराज जी पूछ रहे सुखदेव जी महाराज जी, गुरुदेव वो तो दुष्ट कर्म करने आए थी, भगवान को मानने के लिए आए थी और अपना अस्तर में जो है जहर भर के आए थी, और क्यों परमात्मा ने उसको जो है सायुज्य मुक्ति प्राप्त करवा दी? क्यों ऐसा किया भगवान ने? लेकिन गोविंद कहते हैं कि वह तो मेरे पास में जो है ना माँ बन के आई थी, मुझे दूध पिलाने आई थी, इसलिए परमात्मा ने उसका राक्षसी स्वरूप नहीं देखा, उसका कुभाव ने देखा, उसका स्वभाव देखा कि यह मेरी माँ बन के आई है, इसने मुझे स्नेह से दूध पिलाया है, इसलिए मैं इसे अपनी साहित्य मुक्ति प्राप्त कराई देते हूँ। परमात्मा ने अपने सालुक्य धाम को भेजे मारा, ऐसी परमात्मा की कृपा। भगवान की अनन्य लीलाओं का चिंतन करते हुए ऐसे गोविंद की जो कृपा, और इधर महाराज ऐसी कथा आई है कि नंद बाबा अपने गोपों को साथ में लेकर के साथियों को साथ में लेकर के सुना है कि महाराज कंस के यहाँ जो कंस का कारागार है वहाँ जो बंदी बना रखे देवकी और वसुदेव उनके यहाँ कन्या हुई है, चलो थोड़ा उनको मिल के आए। नंद बाबा चल दे गोप लोगों के साथ में और गए वसुदेव और देवकी के पास में। वसुदेव और देवकी को बोले महाराज भैया बड़ा कष्ट हुआ है, हमने सुना है कि आपके यहाँ जो बालिका हुई थी उस बालिका को कंस ने मारना चाहा लेकिन वो आकाश में चले गई, क्या करें? परमात्मा की ऐसी कृपा है महाराज, हमारे घर में भी बालक हुआ है, इस अवस्था में मेरे घर में बालक हुआ है, लेकिन वसुदेव महाराज जी क्या कहें कि वो भी मेरा ही बालक है। ठीक है भैया तुम्हारे घर में बालक हुआ, समझ लो दो बालक तुम्हारे घर में हुए, समझ लो वो भी मेरे ही बालक है। ठीक है भैया तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए और मैं तो इसी सातना को देने के लिए आपके पास आया था। जैसे मैंने सुना कि आपके यहाँ जो है बालिका को संत ने मार दिया, मैंने कहा मैं भैया को मिल के आऊँ। किस प्रकार से नंद बाबा देवकी और वसुदेव को समझाते हुए वापस चले आते हैं, और जैसे अपने यहाँ वापस आए महाराज तो यहाँ महाराज तब तक जो है भगवान कृष्ण अनेक लीला कर जाते हैं। भगवान कृष्ण मेरे गोविंद ने सकट का भंजन कर दिया, सकटासुर को भेज दिया। जब पूतना का शरीर, जब कंस को पता लग गया कि पूतना का भी राम नाम सत्य हो गया, तब आगे की लीला प्रारंभ कर दी। संकट भंजन नाम के एक राक्षस को भेज दिया हमारा, सकटासुर नाम का जो राक्षस उसको भेज दिया महाराज। वो राक्षस कैसे आया? वो राक्षस आकर के जो बैलगाड़ी थी उस बैलगाड़ी का स्वरूप बना करके उसमें प्रविष्ट हो गया।